कंचन मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है, और चाची का भी, कंचन का ख्याल रखना। हाँ, जिसे दोनों आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना। यहाँ पे हमारे साथ आई है दुल्हनिया, जिसकी शादी है कल को, और मेहंदी लगा देना। ये देखो भाई, मेहंदी में कमेंट करके हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहे हैं? अपने घर के बाहर से, और धूप का एंजॉय करते हुए कर रहे हैं। और अभी हम लोग बाहर किस कारण रखे हैं कुन्नू? हमें गाड़ी साफ करनी है, गाड़ी धोनी है। हमें गाड़ी क्यों धोनी है? क्योंकि आप जा रहे हो कल कोटद्वार दोबारा से। कल कल ही तो जाओगे? अब आज जा रहा हूँ भाई, नींद में। देखो भी दोस्तों, सो के उठा है, ये से भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। नींद में नहीं हूँ, थोड़ी दिमाग खिली है। कौन सा नशा फूका तूने? नहीं, तबीयत खराब हो रही है, उसकी वजह थोड़ा दिमाग। अच्छा, इसकी तबीयत खराब हो रही है दोस्तों, इसलिए स्कूल भी नहीं गया। तो इसके दिमाग में थोड़ा सा, जरा सा, इतना सा बुखार चढ़ा है। तो कल को आज समझ रहा है, आज को कल समझ रहा है। और गाड़ी इसलिए साफ करनी है क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कल के ब्लॉग में कि आज मुझे जाना है कोटद्वार एक शादी अटेंड करने। कपिल के यहाँ मेरे दोस्त जो है, कपिल आपने जानते होंगे, तो उसकी बहन की शादी है, मामा की लड़की की। तो वही शादी अटेंड करने मुझे कोटद्वार जाना है। उसके लिए सबसे पहले गाड़ी साफ करते हैं, और मंदिर कंचन ने पैकिंग वगैरह अच्छे से कर दी है। तो कुणाल, Yes. इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे करके, और जब इधर से थोड़ा सा स्पेस बना दे, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस ज्यादा है नहीं, और बढ़िया से साफ कर दे, ठीक है? Yes. अंदर से बाहर से चमकनी चाहिए। ओके, डंडन डंडन बिल्कुल नहीं करती। पहले ना खाट लगा रखी थी आगे चारपाई, तो चारपाई साइड कर दिए। आजा आजा आजा, बस 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 बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं भाई, ओए ज्यादा नहीं, आजा आ जाओ सर, चलो लग जाओ। पहिया शौक हो गया, ओहो भाई, पहिया पड़ा है फ्लैट। अरे ऐसी चल गई है, इतनी जितनी चली है जहाँ से आके तक ऐसी। हाँ, इस गाड़ी में ना कुछ तो दिक्कत है भाई, इस वाले टायर पे। और हालांकि नया टायर डलवाया भी हमने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो नया। तो कुछ तो दिक्कत है भाई इसमें, इस टायर में ना कुछ तो दिक्कत है। बार बार ना इसकी हवा निकल जा रही है इस टायर की। टायर तो नया है, पर पता नहीं कुछ रिम वगैरह में प्रॉब्लम है। तो ये भी दिखाएंगे आज क्यों निकल रही है। और यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये लड़की गिफ्ट ओपन कर रही है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहाँ है पापा, ये रहे पापा, को गिफ्ट मिला है, पता नहीं किस खुशी में मिला है, बट क्या चीज है इसके अंदर, ये सबके सब अपना अंदाजा लगा रहे हैं। मम्मी क्या होगा? ये हो सकता है बाउल सेट। क्या कह रही, दिवाली का गिफ्ट? दिवाली का गिफ्ट इतने दिन बाद मिला है। अरे पापा गए नहीं थे ना उस दुकान पे? अच्छा, आप गए, उन्होंने कहा आपका गिफ्ट रखा हुआ है, आप ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई पापा का देखो पूरे ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है दिवाली को, तब जाके गिफ्ट मिल रहा है। और ये है भाई, हाँ, क्रॉकरी का सेट है, क्रॉकरी लो। देखो दोस्तों, ये है कप है, इसमें चार, और ये बाउल है, और ये ट्रे है। कंचन यहाँ पर मेरे बैग तैयार कर रही है, जैसे कि हर बार कंचन करती है जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ। आज आप शादी में जा रहे हो तो प्रेस करके दे रहे हो कपड़े, पर बैग नहीं दिख रहा आज, एक सिर्फ ये एक दो कपड़े दिख रहे हैं, कुछ यहाँ है और कुछ वहाँ रखे हैं टेबल पे। अच्छा, अभी रखा नहीं, आपसे निकालूंगी बैग के कौन सा बैग खपेगा ले जाने। खपेगा भाई, थोड़े से कपड़े लेके जाने, छोटा बैग ही लेके जाऊंगा, ठीक है, दो दिन के लिए ही जाना है। A few moments later, तुम भी चल रही होगी, जो तुमने एकदम कपड़े वपड़े वो बैग वैग लेके तैयार हो गई। मैं आपको छोड़ने आ रही हूँ गाड़ी पर। मुझे छोड़ने आ रही हूँ ना, बस कभी वहाँ जाकर कहने मत लगना कि मेरे को भी ले चलो। नहीं, अब मैं कुछ दिन बाद जाऊंगी, एकदम एकदम नहीं जा रही। सही है। तो यहाँ पर कंचन देखो बैग रखने आ गई गाड़ी में पहले ही। कंचन सच में तुम्हारा मन तो नहीं कर रहा ना? नहीं। चलो डिक्की खोलो, डिक्की खोलो, ये लो रखो सामान, जूते स्वेटर सब इसी में रखा हुआ है भाई। पहले से कंचन ने अपने जूते रख दिए थे देखो, और ये ना जाने की नौटंकी कर रही है यहाँ पर, जाने का पूरा मन कर रहा है। मन तो कर रहा है पर। और अभी बड़ी चाची भी जा रही है, लेकिन बड़ी चाची दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, तो जल्दी बुलाओ भाई। ठीक है, बुला रही हूं। ये बैग हम छोड़ के आ गए थे वहीं पे, आ जाओ जल्दी, बुला रहे हैं आपको, जल्दी रखो लाओ। और देखो छोटी चाची भी आ रही, वो भी जा रही है क्या? चाची भी थैला लेके आ रही है, चाची भी जा रही है, वो भी जा रही है, आज सबके सब जा रहे हैं। ये रिंकू, रिंकू कुन्नू की कमी, रिंकू कुन्नू की मम्मी पूरी कर रही है, रिंकू की भी मम्मी, कुन्नू की मम्मी। कंचन को ही देखना है, रिंकू कुन्नू को। ठीक है, मैं देख लूंगी उन्हें अच्छे से, एक से बर्तन धुलवाऊंगी, एक से रोटी बनवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, नमस्ते सेशन शुरू हो गया। नमस्ते भी यहाँ से बोल रहे, जैसे बिग बॉस में नहीं भेजते, बिग बॉस देख रही है आजकल, पूरी बिग बॉस हो रही है। वही तो। चलो तुम कैमरा मुझे दे दो। और ये लड़की दोस्तों जा नहीं रही, इसलिए बाय, पैर छूते तुम्हारे यहाँ आयुष्मान भाव। पहली बार पहली बैठ गई तो दो तीन बार मम्मी बाय बाय, मिलते हैं आपसे दो दिन बाद। कंचन मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है,
और चाची का भी कंचन का ख्याल रखना। हाँ जी, दोनों आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना। सुना दिया उसने कि मम्मी कंचन का ख्याल रखना। तो दोस्तों फाइनली निकल गए हम लोगों मैं और चाची हैं, चाची बैठी है पीछे। चाची का क्या कहते हैं सडनली प्लान बना। चाची का वैसे प्री प्लान नहीं था कि चाची भी जाएंगी मेरे साथ, पहले मैं अकेले जाने वाला था। लेकिन चाची तो तुम्हारा एकदम प्लान क्यों बन गया? मैं सोचा खाली गाड़ी जा रही तो मैं रतनपुर गया हूँ शिवम के यहाँ। पिछली बार गई थी मैं घर तो जब नहीं जा पाई, मैं अगली बार गया हूँ एक दिन के लिए। तो पिछली बार जब चाची गई थी तो मैं उस टाइम नहीं गई थी, तो इस बार होके आएंगी और अब निकल रहे हैं हम लोग। मतलब लेट भी नहीं कहेंगे हम लोग, इस टाइम ही मुझे निकलना था शाम के वक्त ही, और शाम से क्योंकि फंक्शन स्टार्ट है मेहंदी वगैरह जो है वो तो रात ही स्टार्ट होगी। तो अभी तो अच्छा खासा उजाला है देखो इस बार, तो यहाँ से हमें पहुँचने में लग जाएगा करीब 1.5-2 घंटे तो लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो जल्दी से जाते हैं और फिर जो भी फंक्शन वगैरह है वो इन्जॉय करते हैं। तो भाई थोड़ी दूर चले हम लोग और उसके बाद हमें मिल गया है जाम, वो देखो सामने। और ये काफी लंबा जाम है, इधर से तो दिख नहीं रहा लेकिन मैंने इधर साइड से देखा तो काफी लंबा जाम है। मतलब जाम लगने का कारण भी मुझे मिल गया, देखो सामने नीचे ना इस फ्लाईओवर के नीचे मार्केट लग रहा है वहाँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल से जाम लग रखा पूरा। जाम के कारण हो रहे हैं हम लोग लेट, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है आगे गाड़ी। 15 मिनट तो हो गए मुझे खड़े खड़े और मुझे लग रहा है 10-15 मिनट और लगेंगे बाहर निकलते निकलते इस जाम से। भाई के यहाँ तो पहुँच गए हम लोग और यहाँ पे मैंने चाची को ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा देखते हैं शिवम से मिलके फिर आगे जाएंगे। और शिवम चौधरी कहाँ पर है भाई? शिवम चौधरी से मिल लेते, ताई तो हमारे स्वागत में पहले खड़ी है। ये नमस्ते हो रही है भाई, ताई नमस्ते। तो ताई तुम्हारे पास मैं चाची को छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? अब दो घुमा देना है जहाँ जहाँ घुमाना है, 2 दिन बाद लेके जाऊंगा मैं तुमसे मिलने आई है स्पेशली। देखो कोई नहीं आया, सिर्फ बड़ी चाची आई है। हाँ देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, मतलब ही लोगे। क्यों मतलब ही क्यों? पिछली बार ऐसे ही चले गए सीधे सीधे, तो इस बार आ तो गई तभी तो आई है। चाय पीनी शिवम के हाथ की चाय पीने, जल्दी पिला दे फिर मैं भी जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर एक शिवम ट्रे। तो भाई दोस्तों यहाँ पर शिवम के हाथ का एक प्याला चाय का पीने के बाद तब आगे जाऊंगा मैं। शिवम ने चाय बना दी थी तो चाय पीते हैं और फिर चलते आगे। यहाँ पहुंच गए हम लोग, मैं पहुंच गया मतलब जहाँ पे देखो ये सामने टेंट वेंट लगा है, फंक्शन भी है। और गाड़ी से मैं इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि इधर ना पूरा जंगल है, तो यहाँ पे ना बड़ा रिस्की है। कपिल को मैंने फोन कर दिया, यार कपिल आ रहा है, कपिल आ गया, देखो सामने शीशे में दिख रहा है। और ये हमारे भाई, ये हाय भाई, और क्या हाल है? ये मिस्टर कपिल, दूसरे ब्लॉगर से मिला। हेलो सर। अरे मनीष भाई का आपने ब्लॉग देखा होगा भाई, बस सब ठीक। और सामने देखो पूरी तैयारी हो गई भाई, और गाड़ी हमने साइड में लगानी पड़ेगी। अभी हम जा रहे हैं पहले कपिल के यहाँ, और कपिल के यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से कपिल की गाड़ी उठाएंगे, मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा। और देखो सब जो आ रखे थे मनीष और आशु वो चले गए अंदर, तो कपिल तो देखो पूरा रेडी हो रखा। हाँ भाई, तू तो पूरा रेडी हो रखा है भाई। बिल्कुल भाई, मुझे भी रेडी होना है। कैसे कैसे क्या क्या कहाँ है अभी? ये तो मैं घर से आ रहा हूँ अभी। अच्छा तैयार? अच्छा मेरे को जीन्स है। जीन्स नहीं, लोअर है भाई। तो अब कपिल के यहाँ जाके तैयार होंगे, स्टार्ट हो गया फंक्शन? एकदम बढ़िया से तैयार हो गए मैं और आशु। अभी फिलहाल इस वाले घर में कपिल के मैं और आशु ही हैं, और बाकी लोगों को कपिल छोड़ने जा रखा है, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। जब कपिल आएगा यहाँ पर लॉक वगैरह लगाएगा, क्योंकि हमारे भरोसे छोड़ रखा है कपिल ने अपनी पूरी अमानत, तो जब लॉक वगैरह लग जाएगा तब जाएंगे। एकदम रेडी होके हम लोग आ गए हैं जहाँ पे फंक्शन है, और देखो पीछे गाने वगैरह चल रहे हैं और वो चल रहा है फंक्शन। वहाँ से घुसते के साथ हम पहले आ गए खाने के सेक्शन में, खाना यहाँ पे एकदम खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ये देखो पूछ गया भाई, गांव वाले खा खा के चले गए भाई, बचाया नहीं कुछ हमारे लिए, बचाया कि नहीं बचा? बचा। देखो भैया सब खत्म हो गया, बचाया भाई बचाया है, थोड़ा थोड़ा है। हाँ जल्दी खा लेते हो ना, ये भी नहीं बचेगा। ये देखो भाई मेहंदी में कमेंट करके बताओ भाई कैसी लग रही है मेहंदी दुल्हन की।
पैर पे भी लग गई। वाओ भाई, मुझे तो अच्छी लग रही है, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ भाई दुल्हन की मेहंदी कैसी लग रही है। ये वाओ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। कल को दीपांशी की शादी है, आज मेहंदी है, तो मेहंदी एकदम हो गई। नाचने जा रही है, चलो डांस करो। ओके तो भाई अब कपिल और मैं आ गए खाना लेने, थोड़ी देर रुके खाने के लिए, तो खाना खत्म हो जाए क्योंकि पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाद में काम दूर जाओ तो जल्दी से खाना वगैरह निपटाते हैं। पहले भाई खाना लगा के हम लोग ले आए हैं, और खाने में है क्या, छोले हैं और सब्जी है, रोटी है, सलाद है, कपिल के पास क्या है, दाज में कहीं दाल भी है। भाई कैसा बना खाना बता दो दे। भाई मस्त, ले लाइट भी चली गई, झूठ तो नहीं बोल रहा। लाइट में फ्लैश मार रहा भाई, तो जल्दी से भाई खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:05, तो आप लगा सकते हो कितना लेट हो गया हम लोग खाना खा कर, यहाँ निमट भी गया। ब्लॉगर, आज तूने ब्लॉग शूट नहीं किया, आज ब्लॉग शूट नहीं किया, करा है हल्का किया है, तेरा कैमरा कहाँ है भाई, कैमरा निकाल के शूट कर, डांस कर लिया, ये डांस कर, ये बात कपिल को भी नचाले, नाच सुन मेरे ब्लॉग के लिए बोल दे, पर मनीष के ब्लॉग के लिए कुछ मत बोलिए भाई, बढ़िया वाला भाई मजा आ रहा है, एंजॉय करते रहो। ये हमारे मनीष रावत जिनकी सिस्टर की शादी है, और इनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है, अपने चैनल का नाम बता दो जरा। मेरे ब्लॉगिंग चैनल मेरे नाम से है, मनीष रावत, मनीष रावत के नाम से ब्लॉग बनाता है मनीष, और बड़े शानदार ब्लॉग बनाता है, आप भी जाकर के चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करें। और ये हमारे मामा जी हैं जिनकी बिटिया की शादी है, तो मामा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई मनीष अब बताओ अपने चैनल के बारे में। बस मैंने भी स्टार्ट किया है मेरा चैनल मनीष रावत नाम से। अच्छा, और शुरुआत हो रही है बस, बाकी भैया मैं गाइड कर रहे हैं। ओके बनाना बहुत आगे तक जाओगे तुम, बहुत आगे तक जाओगे, आशीर्वाद देते रहो। हाँ बनाए आशीर्वाद भाई। तो भाई रात के 12:30 बज रहे हैं और पूरा सुनसान हो गया, हम लोग आ गए थे कपिल के मामा के यहाँ से, कपिल के यहाँ, और देखो कपिल वो गाड़ी अभी अंदर खड़ी करेगा मेरे ख्याल से। बाकी दोस्तों खाना जो खाया था वो पचा रहे हैं, थोड़ी देर घूमने के बाद अब जाके सोते हैं, और कल क्योंकि मेन फंक्शन कल ही है शादी, तो कल वो भी देखना है, थोड़ा काम वगैरह भी कराएंगे। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।